नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं आपके लिए एक सर्वे लेके आया हूँ। महागठबंधन ने क्यों दिया मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र रालोसपा को? बिहार में पूर्वी चंपारण, जो मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इस लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। इस सीट से विजयी हुए अब तक के सभी लोकसभा प्रत्याशियों के इतिहास पर गौर करें तो साफ होता है कि देश में हुए 1952 के पहले चुनाव से ही देश के ज्यादा लोकसभा सीटों की तरह इस सीट पर भी कांग्रेस का ही कब्जा रहा। पूर्वी चंपारण के मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह के अलावा इस लोकसभा सीट पर एकमात्र कांग्रेस के विभूति मिश्रा ही ऐसे सांसद रहे जो यहाँ से 5 बार विजयी रहे। श्री मिश्रा 1971 इस सीट से सांसद रहे थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में देश के ज्यादा लोकसभा सीटों की तरह यहां का गणित भी बदला और जनता पार्टी के ठाकुर रमापति सिंह चुनाव जीते और पहली बार यहां कांग्रेस का वर्चस्व नहीं दिखा। ठाकुर रमापति सिंह के बाद 1980 में यहाँ से CPI के कमला मिश्र मधुकर चुनाव जीते, लेकिन इंदिरा के नाम पर सहानुभूति लहर की वजह से 1984 में इस सीट से कांग्रेस की प्रभावती गुप्ता चुनाव जीतने में सफल रही, जिसके बाद 1989 में यहां से BJP ने अपने पुराने RSS स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता राधा मोहन सिंह को पहली बार चुनाव में उतारा और पहली बार में ही राधा मोहन सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 1991 में फिर CPI के टिकट पर कमला मिश्र मधुकर यहां से चुनाव जीते। तब के दौर में मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों पर भी CPI की अच्छी पकड़ थी, लेकिन 1996 का चुनाव जीतकर फिर राधा मोहन सिंह ने इस सीट पर अपना परचम लहराया और तब से राधा मोहन सिंह की दिलचस्पी इस क्षेत्र के सभी विधानसभा से चुनकर आने वाले प्रत्याशियों को जिताने और हराने के लिए भी दिखने लगी। इससे पहले कि हम इस बार इस सीट से अपना भाग्य आजमा रहे रालोसपा के हिस्से की इस सीट और उसके प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह की पृष्ठभूमि की बात करें, आइए पहले इस क्षेत्र के मौजूदा सांसद और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह की बात करते हैं। राधा मोहन सिंह का जन्म सितंबर 1949 को हुआ था। जीवन का 69 वसंत पार कर चुके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ एवं भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के यानी अब तक मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से कुल 5 बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे श्री सिंह सार्वजनिक जीवन में संगठन और विशेष तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण के लिए जाने जाते हैं और यही कारण रहा है कि वे इस लोकसभा क्षेत्र से अब तक 5 बार चुनाव भी जीतते आए हैं। अगर 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव के पहले के सिंह के इतिहास पर गौर करें तो वे लगातार एक बार जीतते और एक बार के लोकसभा चुनाव में हारते थे, लेकिन पहली बार 2009 और 2014 में वे लगातार 2 बार सफल रहे हैं। इससे उनके बारे में ये कयास लगाए जाते हैं कि क्षेत्र की जनता उनके सत्ता में रहने पर नाराज होती है, तो वही जब वे सत्ता में नहीं आते हैं यानी हार जाते हैं तो उनके न जीत पाने की वजह से उनकी कमी भी क्षेत्र की जनता को सताती है, इसलिए वे एक बार जीते तो एक बार हारते थे। लेकिन अब वे लगातार दूसरी बार इस लोकसभा से चुने जाने के बाद और केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी लगातार 5 साल अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं और क्षेत्र की जनता से मिलने के मौके को लगभग नहीं गंवाते दिखे हैं। 1998 के चुनाव में राधा मोहन सिंह चुनाव हार गए और RJD की रमा देवी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची, लेकिन 1999 में अटल लहर में BJP के टिकट पर राधा मोहन जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 2004 में फिर इस सीट पर सियासत ने अपनी पलटी मारी और BJP को हार का सामना करना पड़ा तथा BJP के राधा मोहन सिंह को बिहार के अरवल जिले से मोतिहारी अगर चुनाव लड़ने वाले RJD के अखिलेश प्रसाद सिंह से हार का सामना करना पड़ा।
माना जाता है कि जातीय समीकरण के कारण ही बिहार के अरवल जिले से मोतिहारी आकर चुनाव लड़ने वाले आरजेडी के अखिलेश प्रसाद सिंह यहां से जीतने में कामयाब रहे। आकाश कुमार सिंह महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री इन्हीं अखिलेश कुमार सिंह के पुत्र हैं। बताते चले कि पूर्व में एनडीए में शामिल रहे काराकाट से मौजूदा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव की घोषणा के पूर्व एनडीए से नाता तोड़ दिया था और नरेंद्र मोदी मंत्री परिषद से इस्तीफा देकर विपक्षी महागठबंधन में शामिल हो गए थे, जिनकी पार्टी रालोसपा से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव आनंद को ही पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की खबर थी। माना जा रहा था कि एक युवा होने के कारण माधव आनंद का यहाँ युवाओं पर अच्छी पकड़ के साथ साथ क्षेत्र में भी पहचान है, लेकिन सूत्रों की माने तो अंतिम समय पर रालोसपा के खाते में सीट आने का कारण आरएलएसपी उम्मीदवार आकाश कुमार सिंह के नाम से ही तय हो पाया। एनडीए से अलग होकर आरएलएसपी बिहार में विपक्षी महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है और इन दलों के बीच हुए सीट बंटवारे के तहत कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में बने इस महागठबंधन में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल है। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस बार बिहार की काराकाट और उजियारपुर लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। इससे पहले कुशवाहा ने जमुई लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा की थी। 2 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने के सवाल पर कुशवाहा ने कहा कि हम 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर बीजेपी को सबक सिखाएंगे, लेकिन इस बात में कितना दम है ये लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही तय हो पाएगा। अब आइए बात करते हैं मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के इतिहास के साथ मौजूदा सांसद राधामोहन सिंह की। जब 2002 में लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए कमेटी बनी और 2008 में मोतिहारी सीट पूर्वी चंपारण के नाम से जाना गया, तब से फिर इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलने लगा है और नए परिसीमन के बाद अगले 2 चुनाव 2009 और 2014 में राधामोहन सिंह को ही जीत हासिल हुई है। अब आइए पूर्वी चंपारण सीट का असली समीकरण जानने की कोशिश करते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 12 लाख से ज्यादा है, जिनमें से लगभग 6.5 लाख पुरुष और 5.5 लाख महिला वोटरों की संख्या है। ऐसे में पार्टी के हिसाब से यहाँ के विधानसभा सीटों का समीकरण क्या है और मौजूदा समय में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें हैं यह जानने की कोशिश करते हैं। तो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनके नाम हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 बीजेपी ने, 2 आरजेडी ने और 1 सीट एलजेपी ने जीते थे, यानी एनडीए के खाते में इस क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा सीटों में से कुल 4 सीटें हैं और 2 आरजेडी के पास है। अब देखते हैं 2014 चुनाव का जनादेश। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राधामोहन सिंह ने आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को हराया। राधामोहन सिंह को 4,452 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी उम्मीदवार विनोद कुमार श्रीवास्तव को 2,289 वोट। तीसरे नंबर पर जेडीयू उम्मीदवार अवनीश कुमार सिंह रहे थे, जिन्हें 1,28,604 वोट हासिल हुए थे। ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार और कुशवाहा वोटों की संख्या काफी अहमियत रखती है और महागठबंधन ने विशेषकर इन्हीं 2 जातियों को ध्यान में रखते हुए और उनमें मुस्लिम तथा यादव वोटों तथा पिछड़े वर्ग के अन्य वोटों को प्लस मानते हुए अपना भूमिहार प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से चुनाव मैदान में उतारा है। बिहार में बने महागठबंधन के रालोसपा प्रत्याशी आकाश कुमार कांग्रेस से मौजूदा राज्यसभा सांसद और इस इलाके से पूर्व में राजद सांसद व संपर्क सरकार में कृषि राज्य मंत्री रह चुके अखिलेश सिंह के पुत्र हैं। हालांकि
क्षेत्र में इन्हें बाहरी प्रत्याशी के रूप में भी देखा जा रहा है, जबकि मौजूदा सांसद और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह का सबसे प्लस पॉइंट क्षेत्र के कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 का एनडीए के खाते में होना है। और देश के अन्य हिस्सों की तरह इस क्षेत्र में भी लगभग सभी जातियों के बीच मोदी लहर का असर भी माना जा रहा है। ऐसे में रालोसपा और महागठबंधन के जातीय समीकरण का कितना असर होगा और क्या यह गठबंधन यहाँ के लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज करा पाएगा, यह तो आने वाले वक्त में चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल कहा जा सकता है कि यह टक्कर कुल मिलाकर कांटे की बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 चुनावों से भाजपा प्रत्याशी की जीत का अंतर भी बढ़ा है। इस बार यह अंतर बढ़ेगा, घटेगा या जीत में बदल पाएगा या नहीं, यह जनता के मतों की संख्या से ही स्पष्ट होना है। ऐसे में चुनाव के पहले कुछ भी तय कर पाना भी ठीक नहीं है, लेकिन पूरे देश की तरह यहाँ भी मोदी लहर है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आपको ये एनालिसिस कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि इस चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सूचना भी मिलती रहे। नमस्कार।